तो अभी मैं सोनभद्र से मिर्ज़ापुर जा रहा हूँ, और सोनभद्र में कई जगहें थी, जैसे सलखन फसिल्स पार्क था, विजयगढ़ दुर्ग था, और शिवद्वार मंदिर था, धंधरौल डैम था, कई जगहें थी। तो मुक्खा फॉल बहुत फेमस फॉल है, तो मैंने उसको भी उसका भी मैंने वीडियो बनाया। तो लगभग सोनभद्र पूरा हो चुका है, अब मैं मिर्ज़ापुर जा रहा हूँ। मिर्ज़ापुर में कई जगह हैं, जैसे विंध्याचल मंदिर है और चुनार किला है, बहुत ही फेमस किला है। विजयगढ़, नौगढ़ और चुरारगढ़, ये काफ़ी फेमस किले हैं, तो मैं उसका भी दिखाने वाला हूँ। और कालीखो है, तो कई जगह हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ मिर्ज़ापुर में। तो अभी मैं सोनभद्र से मिर्ज़ापुर जा रहा हूँ, और बाइक चलाते चलाते पूरा हाथ काला हो जाता है, देखिए। तो अब मैं कुछ ही देर में मिर्ज़ापुर पहुँच जाऊँगा, लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे। तो मैं मिर्ज़ापुर से पहले ही पड़ता है विंध्य पर्वत, और काफ़ी खूबसूरत पर्वत है जो लंबी श्रृंखलाएँ लगी हुई हैं। तो उस पर्वत को दिखाते हुए मैं मिर्ज़ापुर जाऊंगा, और वहीं पे एक घाटी पड़ती है, बहुत खूबसूरत घाटी है। तो चलिए फिर चलते हैं मिर्ज़ापुर, और दिखाते हैं उस घाटी को और विंध्य पर्वत को। तो चलिए चलते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। तो अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, बीच का मतलब सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के बीच में, और बीच में क्या, मिर्ज़ापुर के पास में ही है, क्योंकि यहाँ से मिर्ज़ापुर लगभग 30 किलोमीटर है। तो अभी मैं थोड़ी देर में मिर्ज़ापुर पहुँचने वाला हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा था घाटी, वो बरकछां की घाटी है, बहुत ही खूबसूरत घाटी है। तो वो दिखा के इसके बाद विंध्य पर्वत दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले बरकछां की घाटी दिखाता हूँ, इसके बाद विंध्य पर्वत, इसके बाद फिर मिर्ज़ापुर पहुँचेंगे। तो देखा जाए तो बरकछां इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर BHU का कैंपस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। उस कैंपस का नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछां, तो यहीं पे पड़ता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छी जगह है बरकछां की घाटी जो है, और वहीं पे एक बांध भी है, छोटा सा दिखाई देता है सड़क से ही। तो चलिए आपको विंध्य पर्वत दिखाते हुए फिर निकलते हैं। तो अभी मेरे पीछे आप बरकछां का कैंपस देख सकते हैं, जो BHU का है, नाम है राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकछां, और ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही ब्रांच है जो मिर्ज़ापुर में है। और आप उस टंकी पे देख रहे होंगे जो मेरे पीछे है, साथ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस पर लिखा हुआ है राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये BHU का है। और इसके जस्ट बगल में ही वो जो हमने घाट बताया था, घाटी बहुत खूबसूरत घाटी है बरकछां की घाटी, तो अभी मैं चल के वहाँ पे दिखाऊंगा, इसी के जस्ट पीछे है। तो चलिए उस घाटी को दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत घाटी है। अभी ये आप मेरे पीछे पर्वतों का झुंड देख सकते हैं, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, जिसे विंध्य पर्वत कहते हैं। और सामने की तरफ हाईवे है, और इधर की तरफ विंध्य पर्वत है, देखिए कितना खूबसूरत है। पूरा पहाड़ों का श्रृंखला है, अच्छा लगता है देखने में। तो अभी हम आपको दिखाए होंगे बरकछां की उतराई, जो उतरे थे वहाँ से, तो अभी आपको दिखा होगा, और बरकछां की घाटी भी दिखी होगी। BHU का परिसर तो हमने दिखाया ही था। तो ये है सोनभद्र टू मिर्ज़ापुर जर्नी, और काफ़ी अच्छा रहा। अब मिर्ज़ापुर से 2-3 जगह हैं खूबसूरत जगह, उनका ब्लॉग बना के फिर कानपुर निकलेंगे। तो बाइक से काफ़ी लंबा पड़ जाता है, लेकिन सफ़र है, तो बस चलते रहिए। तो चलिए फिर।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी नेक्स्ट ट्रिप पे।